أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم। दोस्तों, हीर रांझा एक मशहूर पंजाबी लोक कहानी है। मुतअद्दिद मुसन्निफीन व शोरा ने यह कहानी लिखी, लेकिन इनमें से सबसे मशहूर वारिस शाह की लिखी हुई हीर वारिस शाह है, जो 1776 में पंजाब में लिखी गई। इस तरह की मजीद कहानियों में शशि पुन्नू, सोनी महिवाल वगैरह शामिल हैं। दोस्तों, हीर ज़िला झंग में आबाद सियाल कबीले से ताल्लुक़ रखती और एक जट लड़की थी। वह इंतहाई खूबसूरत थी और इलाके भर में इस जैसी हसीन लड़की कोई नहीं थी। रांझा भी जट था और दरियाए चनाब के किनारे आबाद एक गांव तख्त हज़ारा ज़िला सरगोधा का ही बासी था। यह इलाका कोट मोमिन के नज़दीक है। इसके तीन भाई खेती बाड़ी करते थे, मगर बाप का चहेता होने के नाते वो जंगलों में फिरता और वंजली यानी के बांसुरी बजाता था। इसने अपनी ज़िंदगी में कम ही दुख देखे थे। जब रांझे का बाप मर गया तो इसका मुश्किल दौर शुरू हुआ। पहले ज़मीन के मामलात पर इसका भाइयों से झगड़ा हुआ और फिर भाइयों ने इसे खाना देने से इनकार कर दिया। नतीजन रांझा ने अपना गांव छोड़ा और आवारा गर्दी करने लगा। फिरते फिराते वो हीर के गांव जा पहुंचा और इसे देखते ही अपना दिल दे बैठा। हीर ने जब इसे बेरोजगार पाया तो रांझे को अपने बाप के मवेशी चराने का काम सौंप दिया। रफ्ता रफ्ता रांझे की वंजली ने हीर का दिल मोह लिया और इस अजनबी से मोहब्बत करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता इनके लिए एक दूसरे के बगैर वक्त काटना मुश्किल हो गया और वो रातों को छुपकर मिलने लगे। ये सिलसिला तवील अरसा जारी रहा। एक दिन हीर के चचा कैदू ने इन्हें पकड़ लिया। अब हीर के माँ बाप चूचक और मालकी ने ज़बरदस्ती इसकी सईदो कौम खेड़ा साकन रंगपुर से शादी कर दी। मोहब्बत की नाकामी से रांझे का दिल टूट गया और वह दोबारा आवारा गर्दी करने लगा। एक दिन इसकी मुलाकात बाबा गोरखनाथ से हुई, जो जोगियों के एक फिरके कनफट्टा का बानी था। इसके बाद रांझा भी जोगी बन गया। इसने अपने कान छिदवाए और दुनिया को खैरबाद कह दिया। वो गांव-गांव नगर नगर फिरता आखिरकार इस देहात में पहुंच गया जहां हीर ब्याई गई थी। अब रांझा और हीर वापस अपने गांव पहुंच गए। बहसों मुबाइसे के बाद आखिर हीर के वालदैन दोनों की शादी पर रजामंद हो जाते हैं। मगर हासिद कैदू ने इन शादी के दिन जहरीले लड्डू खिलाकर हीर का काम तमाम कर दिया। जब रांझे को ये बात मालूम हुई तो वो रोता पीटता अपनी महबूबा के पास भागा आया। जब हीर को मुर्दा देखा तो जहरीला लड्डू खाकर खुदकुशी कर ली। वादिय चनाब के ये दो नाम इश्किया कहानी का हिस्सा और पंजाबी अदब आलिया का सरमाया बन चुके हैं। हीर रांझा की मुरवजा कहानी, जिसे वारिस शाह और दीगर शोरा कराम ने बयान किया, के मुताबिक हीर झंग के नवाब सियाल खानदान के एक शख्स चूचक की लड़की थी, जिसके हुस्न जमाल का शोरा चार वांगे आलम फैल चुका था। कस्बे तख्त हज़ारा ज़िला सरगोधा के एक शख्स रांझा नामी, जो मर्दाना हुसन का नमूना था, हीर के हुसन के गायबाना शोहरत से मुतासिर हुआ और हीर के ख्याल में गलता रहने लगा। रांझा की भावज ने एक दिन इसे ताना दिया कि कमाई नहीं करता, मगर रोटी के वक्त हज़ार हुज्जतें बनाता है। तुम नवाबी छोड़ दो, वरना झंग की हीर सयाल के पास चला जा, वही अब तुम्हारी रोटी पकाएगी। घी से गुंदी हुई रोटियां इसकी खाना। रांझा अपनी चार भांजों का ताना सुनकर झंग की तरफ चल दिया। झंग बेले में सफ़र करता हुआ जब झंग के पास चनाब के किनारे पहुंचा तो एक अरास्ता कश्ती देखी, जिसमें फूलों की चादरें बिछी हुई थीं, मगर इसमें कोई आदमी मौजूद ना था। रांझा थका हुआ था, वो कश्ती में दाखिल होकर घनी छाँव के शर्मीले नशे में मस्त हो गया। पिछले पैर हीर अपनी सहेलियों के हमरा आई। इसने कश्ती में अजनबी को सोया हुआ देखा तो इसकी नवाबी हिस भड़क उठी, इसकी गैरत बेदार हुई। इसने अपनी सहेलियों के साथ कश्ती में दाखिल होकर रांझा को नींद से जगा दिया और इसे सख्त सरजनिश की। इस दौरान में रांझा ने हीर की तरफ देखा और हीर ने इसकी तरफ दोनों की निगाहें मिली और फिर झुक गईं। कहाँ हीर इस अजनबी पर सख्त खफा थी, मगर नज़रें मिलने के बाद इसका अंदाज इंतहाई नरम हो गया। ये पहली मुलाकात दोनों के दरमियान मुस्तकिल इश्क की बुनियाद बन गई। रफ्ता रफ्ता दोनों करीब हो गए। चूचक ने हीर की सिफारिश पर इसे भैंसे चराने के लिए मुलाजिम रख लिया। रांझा हीर की भैंसे लेकर जंगल बेले जाता और हीर घी में गूंधी हुई रोटियां लेकर
इसे पहुंचाती। दोनों में प्यार इस कदर बढ़ा कि एक दूसरे में फना हो गए। हीर का चचा कैदू लंगड़ा दोनों के प्यार मोहब्बत से आगाह हो चुका था। इसने चूचक से कहा, हीर रांझे के साथ फंसकर अपनी और ख़ानदान की इज्जत खराब करने पर तुली हुई है, रियाजा रांझा को यहाँ से निकाल दो। चूचक ने पहले कई रोज तक कैदू की बात ना मानी, फिर कैदू एक दिन चूचक को ले गया और जंग बेले में दोनों की मुलाकातों का मुशाहिदा कराया। चूचक ने घर वापस आकर रांझा को नौकरी से निकाल दिया और हीर का रिश्ता सईदू कौम खेड़ा साकन रंगपुर से तय कर दिया। उधर चूचक की भैंसें जो रांझा की वंजली पर मस्त रहती थीं, रांझा की जुदाई में उदास हो गईं और खाना पीना दूध देना बंद कर दिया। दूसरी तरफ रांझा हीर के लिए बेकरार रहने लगा। हीर अपने महल में मुस्तरिब थी। हीर का निकाह सईदू खेड़े से कर दिया गया। वह हीर की डोली लेकर रंगपुर चला गया, मगर वो रांझा के लिए उदास और परेशान रहने लगी। इसने सईदू खेड़े को अपना खाविन तस्लीम करने से इनकार कर दिया। हीर को यहाँ एक राजदार सहली सहती, जो इसकी नंद भी थी, से मुलाकात करके बड़ी तकवियत मिली। सहती भी एक शख्स मुराद से मोहब्बत करती थी, मगर इन दोनों के दरमियान में भी दीवार हाइल थी। रांझा हीर से मुलाकात के लिए बेकरार था और इसने एक हिंदू बालनाथ को अपना मुर्शद बनाया और इसके मशवरे से साधु बन गया। कान छिदवा लिए और जोगी बनकर भैंस बदलकर रंगपुर पहुंचा और सईदू खेड़े के मकान पर सदा लगाई। खेड़ों की औरतें, जिनमें हीर और सहती भी शामिल थी, साधु को खराज देने बाहर निकलीं। हीर ने रांझा को पहचान लिया और रांझा ने अपना मकसूद देख लिया। रांझा ने रंगपुर में डेरा लगा लिया और खराज के बहाने हीर का दीदार करता रहा। बिलाखिर हीर ने सहती के साथ मिलकर प्रोग्राम बनाया, जिसके मुताबिक हीर को सांप ने डस लिया। जब हीर बेहोश हो गई तो इसने कहा कि इस जहरीले सांप के डसे का इलाज इस साधु के पास है, जो कई दिनों से रंगपुर के भाई डेरा लगाए बैठा है, इसे बुलाओ। साधु बुलाया गया। हीर और रांझा को एक कमरे में बंद कर दिया गया ताकि साधु मंत्रों के जरिए हीर को सेहतयाब करे। चुनाचे सहती ने कमरे की दीवार में नकब लगाई। हीर रांझा दोनों भाग गए। सहती भागकर मुराद के पास पहुंच गई। यहाँ तक तमाम दास्तान गोया शायर करीबन मुत्तफिक हैं। बाज जुज़वियात में इख्तलाफ है, मगर इसके बाद के वाक़यात में शदीद इख्तलाफ पाया जाता है। बाज कहते हैं कि रांझा को खेड़ों ने जंगल में पकड़कर मार दिया था और बाज कहते हैं दोनों को कत्ल कर दिया था। कुछ ने यह ख्याल जाहिर किया है कि दोनों जब जंग के करीब पहुँचे तो सियालों ने इनको कत्ल कर दिया था। कुछ दास्तान नवीसों ने यूँ लिखा कि रांझा को कत्ल कर दिया गया था। हीर अपने महल में चली गई, जहाँ से इसकी लाश मिली। बहरहाल हीर और रांझा की कहानी के इख्तिताम पर इख्तलाफ मौजूद है, लेकिन कहानी के इब्तदाई हिस्से अक्सर और बेशतर शोरा ने एक जैसे बयान किए हैं। दोस्तों, वारिस शाह और दीगर शोरा के बयान करदा वाक़यात का इख्तसार ये है। शायर जज्बात का नुमाइंदा होता है, मगर मौरिक वाक़यात की बुनियादी कड़ियाँ तलाश करने के बाद किसी नतीजे पर पहुँचता है। शायर और मौर्री की सोच के धारे कतई मुख्तलिफ होते हैं। हीर लिखने वाले अक्सर शोरा ने अपने ही अहद के हालात हीर के अहद पर चस्पा कर दिए हैं, हालांकि हकीकत इसके कतई मुख्तलिफ है। मिर्जा साहिबा वाक़यात इश्किया किरदार थे, मगर हीर रांझे को महज इश्किया कहानी में घसीट लिया गया, मफरूजों पर अमारत खड़ी कर दी गई और इसे इस अंदाज से फैलाया गया कि आज वो हकीकत नज़र आती है। मगर जिस तरह हर चमकती शय सोना नहीं हो सकती, इस तरह हर वाक़या ख्वाब व सदियों से कैसे ही मशहूर क्यों ना हो, इसकी उर्फत और मानवियत को जों का तों कबूल नहीं किया जा सकता। इसके लिए ठोस दलाइल और तारीखी वाक़यात हैं। दलाइल से बात करनी चाहिए, ज़बानी रिवायतों का सहारा ना लिया जाए, ख्वा इन रिवायतों में कितनी ही कशिश क्यों ना हो।